अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनफिनिक्स मोबाइल्स का आईएमई नंबर किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं और अपने मोबाइल का इनवैलिड आईएमईआई नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल ओनली का प्रॉब्लम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास मोबाइल है इनफिनिक्स 04+X602 जिसका एनवी डाटा करप्ट होने की वजह से आईएमई नंबर 00 शो करवा रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ दिए गए बेल आइकन को पुश करें ताकि आप तक पहुंचती रहे मेरी आने वाली हर यूज़फुल वीडियो। इनफिनिक्स मोबाइल का आईएमई नंबर रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इंजीनियरिंग मोड में जाना होगा। बहुत से मोबाइल्स पर हम इंजीनियरिंग मोड में USSD कोड के ज़रिए चले जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास USSD कोड नहीं है जिसके ज़रिए आप अपने हैंडसेट पे इंजीनियरिंग मोड तक रसाई हासिल कर सकें तो अपने हैंडसेट के ब्राउज़र में जाएं और वहां पर ये एड्रेस टाइप करें GOO.GL-FII7N7। तो आपके हैंडसेट पर मार्टव्यू फॉरम की साइट ओपन हो जाएगी। पेज को स्क्रॉल डाउन करें और ये MTK इंजीनियरिंग मोड वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ओके, और डाउनलोड हो जाने के बाद इसको ओपन करें और इसको इंस्टॉल करें। MTK इंजीनियरिंग मोड प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करेंगे। तो ये आपके सामने MTK इंजीनियरिंग मोड प्लस एप्लीकेशन का मेन्यू आ जाएगा। एड्स को डिसेबल करने के लिए हम इंटरनेट को ऑफ कर देंगे ताकि एड्स हमें डिस्टर्ब ना करें। बहुत से फोन्स का IMEI नंबर हम यह फ़ोन इंफॉर्मेशन से रिपेयर कर सकते हैं विदाउट PC के, लेकिन अगर आपके फ़ोन पर ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा तो ये मेन मेन्यू में जाएंगे। तो ये देखिए आपके हैंडसेट पर इंजीनियरिंग मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए हम इसकी GPRS इंफॉर्मेशन चेक की तो ये देखिए IMEI नंबर 00 शो हो रहा है। IMEI नंबर पेयर करने के लिए हमें इसका ATCI ऑप्शन ऑन करना होगा। लॉग एंड डिबगिंग में आएंगे, यहाँ पर ये ATCI को ओपन करेंगे और ये अनेबल ATCI वंस को दबा देंगे। तो ये देखें अनेबल ATCI सक्सेस। इसके बाद अपने हैंडसेट को USB केबल के जरिए PC के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपके PC के डिवाइस मैनेजर में MTK USB VCOM पोर्ट शो हो जाएगी। उसके बाद अपने PC पर जेनेरिस MTK की एप्लीकेशन को ऑन करें। ये एप्लीकेशन विदाउट डिवाइस वर्क करेगी। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये R की को प्रेस करके पोर्ट्स को रिफ्रेश करेंगे और ये अपने हैंडसेट की पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। IMEI नंबर को सेलेक्ट करके ये रीड IMEI को दबाएंगे। तो ये देखें हमारे हैंडसेट का IMEI नंबर रीड हो गया। अपने हैंडसेट का ओरिजिनल IMEI नंबर ये हमने लिख कर रखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और अपने हैंडसेट पर राइट कर देंगे। इसी तरह हम हैंडसेट का सेकंड IMEI नंबर अपेयर करेंगे। सेकंड IMEI को सेलेक्ट किया और रीड किया और दोबारा से हैंडसेट का ओरिजिनल IMEI नंबर यहाँ पर पेस्ट किया और राइट IMEI का बटन दबा दिया। तो ये देखें सेकंड IMEI नंबर भी राइट हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड दोनों IMEI नंबर अपेयर करने के बाद हम अपने हैंडसेट को PC से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे हैंडसेट का IMEI नंबर रिपेयर हो चुका है। ये रीबूट करने से पहले मैं आपको दोबारा से कंफर्म करवा देता हूँ कि हमारे हैंडसेट का IMEI नंबर करप्ट था। ये देखिए IMEI नंबर 00 है। हैंडसेट को रीबूट करेंगे
हैंडसेट रीस्टार्ट हो जाने के बाद हम दोबारा से हैंडसेट का IMEI नंबर कन्फर्म करेंगे। तो ये देखें हमारे हैंडसेट का ओरिजिनल IMEI नंबर जो हमने नोट किया हुआ था वो देखें हमारे हैंडसेट पे अप्लाई हो चुका है और हमारे हैंडसेट का IMEI नंबर रिपेयर हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से Infinix मोबाइल्स का IMEI नंबर रिपेयर करने में, फ़ोन का नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल ऑनली का प्रॉब्लम फिक्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो पहुंचती रहे। हैंडसेट का मॉडल और एंड्रॉइड वर्जन वेरीफाई करने के लिए ये हम सेटिंग में गए, अबाउट फोन में गए और ये देखें Infinix 04 प्लस Infinix X602 LTE। और इसका IMEI नंबर सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।